हेलो नमस्ते, मैं स्तंसिन अमजद और मैं बॉयज हायर सेकेंडरी से 11th क्लास में पढ़ता हूँ। हेलो, माय नेम इज़ इरफान अली एंड आई एम स्टडीइंग इन 11th क्लास एंड आई एम फ्रॉम बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल। हेलो, माय नेम इज़ नवीन दर्जे, आई एम फ्रॉम बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल एंड आई एम स्टडीइंग इन 11th क्लास। माय नेम इज़ रिक्सन इरफू एंड आई एम स्टडीइंग इन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ले। आपको पहले आपको इसको कूटना है, मतलब पत्थर से, किसी चीज़ से, लकड़ी से आपको इसको कूट के इसको छानना है। काफ़ी सारे छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं जो हम अगर वो पोर्ट को हम जब बेक करते हैं ना, टेरा कोटा जो बनते हैं, तो ये सब मैट होता है, तो एक ये बाइंडिंग का काम करते हैं। ठीक है, जो टेरिंग आर्टिस्ट जो है ना, जो स्कल्पचर बनाते हैं, स्टेचू बनाते हैं, वो इसी क्ले को यूज़ करते हैं और इसमें कॉटन मिक्स करते हैं। क्ले बनाने में एक तरीका होता है। हम क्ले बनाने में तीन मुट्ठी भर इसे पोर्ट क्ले को लेंगे, जो कि जासा के कहा जाता है, और एक मुट्ठी भर इसे लेंगे, यानी कि 3:3:1 रेशियो में हम इसे लेंगे। जो कि पहले हमने बुना था, अभी उसको अच्छी तरह से बनाकर हमने पीस कर और पानी वानी मिक्स कर हमने ये किया है। कैनवस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक लकड़ी का फ्रेम, उसके बाद ये देसी तरीका है कैनवस बनाने का। हमें जितना साइज का आपको चाहिए वो लाना है, उसके बाद आपको ये डबल जीन करके कपड़ा लोकल मार्केट में अवेलेबल है, इसको लेके आप इसको स्ट्रेच करेंगे और इसमें स्ट्रेच करके ये जो गंटेकर इसमें स्टेबलर का पिन जाता है, और ये गंटेकर के साथ आपको इसको स्टेबल करना है। के लिए कैनवस बनाने के लिए अभी हम इस पर 2-3 फेविकॉल का कोट करेंगे, फिर वाइट, ये आपका नैरोलैक्स का वाइट नंबर चेन है, तो ये इसका 2 कोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फिर प्रॉपर कैनवस बन जाएगा। तो फेविकॉल का ही कोट करेंगे 2 बार। ठीक है, तो एक बार फिर करेंगे, जब ये ड्राई हो जाएगा, अभी ये फेविकॉल का आपका पानी बना है, फेविकॉल का पानी। ठीक है, अभी आपने फेविकॉल का पानी बनाया। ठीक है, कटिंग आता है, तो इस ऊपर वहाँ तक हम क्या बोलेंगे, बस्ट। ह्यूमन बॉडी का रिप्रेजेंटेशन 3 अलग तरीके से होता है ना, मैंने आपको बताया, पोर्ट्रेट, बस्ट एंड फुल फिगर। तो हम बस्ट के ऊपर बात कर काम करते हैं। ठीक है, तो अभी ये आपका इतना तक बस्ट आ गया। ठीक है, जैसे बेसिक शेप में आपका थोड़ा लगना चाहिए कि मेल फीमेल का। ठीक है, मेल का थोड़ा स्टिक होता है, थोड़ा मस्कुलर होता है, फीमेल का थोड़ा रिजा भी होता है, फ्लो होता है।
वो है पेडिस्टल बेस, तो आप देख सकते हैं बिना बेस के कैसा लग रहा है। अगर ये एक वाइट अच्छा सा सुंदर बेस हो अभी इसके ऊपर रखेंगे तो इसका एग्जीक्यूशन और इसका डिस्प्ले इतनी कितना। कल हमने जो क्लिप प्रिपेयर किया था आज हम उसी क्लिप को लेकर ये मॉडल तैयार कर रहे हैं।